नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में हाजिर है मौसम की अपडेट लेकर। जानकारी आपको देंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। रोजाना आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। फिलहाल मौसम प्रदेश में कैसा बना हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, ये जानकारी आप लोगों के बीच में लेकर आते हैं। और आपको आज भी अवगत कराएंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीते दिन मौसम कैसा रहा, क्योंकि अगर बात करें तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था कि बीते दिन भी बारिश होगी, तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। कहां कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है, ये जानकारी भी आपको देंगे। तो इसी बीच आपको बता दें कि मंडी के कटौला में 37.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और नगरोटा सूर्या की अगर बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, तो 33.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं कांगड़ा के गमरूर में 26.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी तरह कुछ और क्षेत्रों में भी बारिश हुई है, लेकिन हल्की बारिश हुई है। जहां पर ज्यादा बारिश हुई है वो मंडी का कटौला है और इसी के साथ नगरोटा सूर्या है और गमरूर है कांगड़ा का। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है बारिश हुई है। और इसके अलावा बाकी जगहों पर कहां कहां बारिश हुई है, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में बारिश हुई है या नहीं हुई है। इसी बीच सुंदरनगर और कांगड़ा में जो है तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिला है। तो मौसम कुछ खराब अभी चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि 8 और 9 तारीख को भी प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बारिश होने को लेकर जो है मौसम विभाग द्वारा आसार जताए गए हैं। और इसी तरह 10 तारीख को मौसम साफ रहने वाला है, कुछ एक क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है, लेकिन 11 और 12 तारीख को फिर से प्रदेश में मौसम जो है करवट बदलने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश के इन दो दिनों में 11 और 12 तारीख को भी बारिश होने के आसार मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। अब देखिए कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है अब ठंड आने को हो रही है, लेकिन अभी भी बारिशों का दौर जो है देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बीते दिन हुई बारिश ने जो है काफी ज्यादा ठंड जो है प्रदेश में बढ़ा दी है। जहां पर पहले उच्चवर्ती इलाकों में ही बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बीच अब अगर बात करते हैं तो बारिश होने के बाद जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी बारिश के बाद जो है ठंड सी देखने को मिल रही है। और मध्यवर्ती इलाकों में तो वैसे ही थोड़ा सा ठंडा सा माहौल चल रहा है। और उच्चवर्ती इलाकों की बात करें तो जो हमारी ऊंची चोटियां हैं बर्फबारी के बाद जो है वहां कहीं ना कहीं ठंड बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं तो कल के दिन में एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर लद्दाख में भूस्खलन के बाद जो है सेना के 6 जवानों की मौत हुई है। ये इतना भयंकर लैंडस्लाइड था कि इसमें कुछ वाहन इसकी चपेट में आए और सेना के 6 जवान जो है इस भूस्खलन की चपेट में आने की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई है। काफी दुखद ये समाचार है। और सुबह लद्दाख से जो है दूसरे ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे भारतीय सेना के काफिले के 3 वाहन जो है इसकी चपेट में आए हैं, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो एक ग्लेशियर से दूसरे ग्लेशियर की तरफ जा रहे थे और गाड़ियों पर जो है ये भूस्खलन होने के कारण जो है बहुत बड़ा हादसा और दुखद खबर ये प्रदेश के लिए भी और पूरे देश पर के लिए है, क्योंकि हमारे सेना के जवान जो हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं। लेकिन ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें ग्लेशियर की चपेट में आने से सेना के 6 जवानों की जो है मृत्यु हुई है। इसी बीच बात करें तो जिस तरह से भी फिलहाल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, तो 12 तारीख तक फिर से प्रदेश में मौसम खराब बताया गया है। और इसी बीच बात करते हैं तापमान की, क्योंकि तापमान भी सुबह शाम जो है काफी गिरने लगा है, लेकिन ऊना जिला का तापमान जो है सबसे अधिक 30.6 बना हुआ है। और केलांग के तापमान की बात करेंगे तो सबसे कम तापमान में केलांग है, क्योंकि यहाँ का तापमान 5.7 बना हुआ है। इसी तरह बाकी जगहों के तापमान की बात करते हैं तो राजधानी शिमला से शुरुआत करते हुए आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो तापमान है बीते 24 घंटों के दौरान 13.5 बना हुआ है। सुंदरनगर का 17.5 है, भुंतर का 17.0 है, कल्पा का 9.5 है, धर्मशाला का 16.2 है, ऊना का 20.6 है, नाहन का 18.7 है, केलांग का 5.7 है जो सबसे कम है, और पालमपुर की बात करते हैं 16.0 है, सोलन का 17.0 है, मनाली का 12.5 है, कांगड़ा का 18.2 है, मंडी का 18.2 है, बिलासपुर का 21.0 है, हमीरपुर का 19.5 है, चंबा का 17.6 है, डलहौजी 11.5 है, जुबड़हट्टी 15.6 है, कुफरी 11.2 है, और कुकुमसेरी 6.7 है, नारकंडा 9.4 है, कोटखाई 14.0 है, रिकॉन्क्यू 14.0 है, और सेवबाग 14.5 है, धौलाकुआं 22.4 है। इसी की तरह बात करते हैं बरठी की तो 19.8 है, कौंटा साहिब 21.0 है, सराह की बात करते हैं 12.5 है। तो ये बीते 24 घंटों के दौरान जो तापमान सभी जगहों का बना हुआ है, ये जानकारी आपको दी। इसी तरह रोजाना आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में, कहां पर मौसम कैसा बना हुआ है और फिलहाल मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है। तो फिलहाल अगर मौसम की बात करें तो 12 तारीख तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार जताए गए। तो आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। रोजाना हमारे साथ जुड़े और देखिए मौसम के बारे में जानकारी लें, प्रदेश में मौसम कैसा बना हुआ है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। धन्यवाद।